नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर वन सोशल साइंसेस का अप इन द स्काई पढ़ाऊंगी। इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। दीज व्हाट आर दीज यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर। दिस इज अवर सोलर सिस्टम। ओके, एंड दिस सोलर सिस्टम इज वेयर डू वी फाउंड। वी फाउंड इट in the sky, okay, but these planets are not visible to us, only except sun and moon, okay. Yes, let's begin our class with a good thought. The best thing about life is that we never stop learning. Whether we are young or old, we always have someone to learn from. ओके, द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम कभी भी लर्न करना बंद नहीं करते हैं। वी नेवर स्टॉप लर्निंग। वेदर, चाहे हम यंग हैं चाहे हम ओल्ड हैं, सो वी ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू थिंग्स होल लाइफ। ओके, पूरा लाइफ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सो वी मस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम आवर डेली experiences. Okay, now solar system, as you can see, this is our solar system in the given picture, and this is the picture of sun. Okay, and there are 8 planets in the solar system. How many planets? 8 planets hote hain hamare solar system mein. Just look at the first one. This is Mercury, and here look at the second one. This is Venus. And look at the third one. This is called Earth. Okay, and this is our planet. Okay, we live on this planet. हम इस planet पर रहते हैं. Okay, and Mars. Just see in the red color planet. This is called Mars. Okay, and Jupiter. Just see, this is a very big planet. So this is called Jupiter. And Saturn. Saturn, a beautiful planet. And this planet has a ring around it. Okay, just you can see. Now look at the next one. This is Uranus, and look at the last one. This is Neptune. Okay, so these are planets of our solar system. Okay, and just see, how does all the planets revolve around the sun? कैसे देखिए सारे planets चक्कर लगाते हैं sun को. Okay, and see, and did you know, students, the sun is actually white, but it just appears yellow to us through the earth's atmosphere, because our earth has a layer of air that is called atmosphere. हमारी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है एयर की, उसको हम क्या कहते हैं? एटमोसफेयर। उसको एटमोसफेयर कहा जाता है. ओके, तो यही कारण है, उस लेयर जो एयर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है? एटमोसफेयर। और इसी लेयर, इस लेयर की वजह से ही हमारा जो सन है वो किस कलर का नज़र आता है? येल्लो कलर का. लेकिन ये एक्चुअली इसका कलर क्या है सन का? वाइट. ओके, सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. यस, डिड यू नो स्टूडेंट्स, इफ सैटर्न वर एज क्लोज टू द अर्थ एज द मून इज, दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक. अगर जैसे मून हमारी अर्थ के क्लोजर है, ऐसे ही अगर ये सैटर्न भी हमारे अर्थ के क्लोज होता तो वो इस तरीके से नजर आता. ओके, इट विल लुक लाइक दिस. ओके, नाउ आवर यूनिवर्स, यू सी, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व लाइक दिस. दे रोटेट एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन. नाउ जस्ट सी, लेट्स स्टार्ट विद गेट सेट. वेयर डू यू सी द फॉलोइंग? राइट, एस फॉर स्काई or L for land. Okay, sun. So where do you see sun? Yes, sky. Okay, correct answer. Number two, house. Where do you see house? House kahan dekhte hain aap? Yes, on land. Correct answer. Now trees. Where do you see trees? Kahan dekhte hain aap trees? Land mein ya sky mein?
यस ऑन लैंड ओके एंड ब्रिज आप ब्रिज कहाँ देखते हैं जो पुल होता है ब्रिज यस ऑन लैंड नाउ स्टार्स वेयर डू यू सी स्टार्स इन द स्काई हिल लैंड हिल कहाँ देखते हैं लैंड पर ही तो होती है हिल ओके नाउ लुक एट द मून यस मून वेयर डू यू सी मून इन द स्काई रिवर ऑन द लैंड एंड स्नो स्नो माउंटेन पर होती है बट माउंटेन कहाँ होते हैं लैंड पर ओके यस नाउ वी सी वेट अ मिनट यस वेयर डू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे यू सी द सन क्या देखते हैं आप जब डे होता है तो क्या देखते हैं आप सन एट नाइट यू सी द मून एंड द स्टार्स द सन द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज द प्लैनेट्स आर ऑल्सो हेवनली बॉडीज दे मूव अराउंड द सन एंड द एट प्लैनेट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम जो सन होता है ना सन और एट प्लैनेट्स मिलकर क्या बनाते हैं सोलर सिस्टम ओके एंड द एट प्लैनेट्स आर मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर Saturn, Uranus and Neptune, okay? These are the members of the solar system, okay? As we all are the members of the family, जैसे आपके son होता है, daughter है, mother, father, grandparents, दादा दादी, so ये सब क्या form करते हैं? ये solar, ये family form करते हैं, तो ऐसे ही son की भी ये जो planets हैं, ये सारे all together family form करते हैं किसकी sun family okay and we live on planet earth और हम कहाँ रहते हैं हम planet earth पर रहते हैं okay and this is our solar system you can see in the picture and the sun is at the center of the solar system sun जो होता है वो solar system के center में होता है that is why it is called the head of the family All the planets move around the sun. सारे जो planets होते हैं वो earth के चारों तरफ move करते हैं The sun is a huge ball of very hot gases. और जो sun जो है वो बहुत जो gases से बना हुआ है किससे बना हुआ है वो बहुत ये बहुत एक बहुत बड़ी ball के जैसा है और ये बहुत सारी जो गर्म गैस होती है उससे बना हुआ है It is many times bigger than the earth. The sun is the nearest star to our planet Earth. The sun is important to us because हमारे important क्यों होता है? It gives us heat and light. Plants make food using sunlight. और जो plants है वो sunlight को use करके ही food बना पाते हैं. Okay? And you can see the solar energy we get solar energy from the sun. और sun से ही हमको सोलर एनर्जी मिलती है एज इन स्कूल ऑल्सो स्कूल में भी सोलर पैनल लगे हुए हैं बहुत सारे हाउसेज में भी आपने सोलर पैनल्स लगे हुए देखे स्कूल में बड़े बड़े बिल्डिंग्स में तो उससे क्या सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और वो उससे क्या होता है उससे ही हम सारे अपने जो लाइट्स हैं और अपने स्मार्ट बोर्ड्स हैं यहाँ तक कि कार्स भी आजकल उससे रन करती हैं किससे सोलर एनर्जी से ओके So the sun is a source of energy. The energy obtained from the sun is called solar energy. It is used to cook food, to light up streets at night, and even to run cars. Okay, and just see how does it forms. Just see. Yes. Okay. And now these are the planets revolve around the sun. Okay. And the moon is round like the sun. ये भी अपने sun के जैसे ही round होता है, लेकिन it is the closest neighbor of the earth. ये अपनी earth का जो है closest neighbor होता है, और seen from the earth, both the sun and the moon appears to be of same size. लेकिन दोनों जो है सेम साइज के हमें नजर आते हैं मून अपीयर्स टू बी ऑफ द सेम साइज हाउएवर द मून इज मच स्मॉलर देन द सन लेकिन जो मून का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है सन से ओके एंड मून इज अ सैटेलाइट मून क्या है सैटेलाइट है वो प्लैनेट नहीं है ओके एंड मून लुक्स
बिग बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ. और ये हमको बड़ा क्यों नजर आता है, क्योंकि ये अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है. ओके, जैसे सपोज आई एम गिविंग एन अनदर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, बिग बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आप अपने घर से उनको देखेंगे, अगर जो बिल्डिंग्स आपके पास में हैं वो तो आपको बहुत बड़ी नज़र आएगी, लेकिन जो बिल्डिंग्स आपके जो घर के पास वाली बिल्डिंग है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन आपके घर से वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, बहुत दूर हैं वो, तो क्या होगा, वो आपको छोटी नज़र आएंगी. ओके, जो बड़ी चीज़ होती है अगर वो बहुत ज़्यादा दूर है तो वो छोटी नज़र आएगी, और जो घर के पास में है चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो लेकिन वो हमको बड़ी ही नज़र आती है. सो सेम एज इट इज़ द कंडीशन ऑफ, इट इज़ द सिचुएशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द मून. ओके, मून हमारे पास में इसलिए हमको बड़ा नज़र आता है. ओके, बट ये साइज में काफ़ी छोटा होता है. जस्ट सी, यू कैन सी द कार्टून इमेज ऑफ मून. दिस इज मून एंड दिस इज अवर अर्थ. ओके, एंड दीज आर, यू सी इन द मून, ये क्या है बेटा, ये बिग होल्स, दीज आर कॉल्ड क्रेटर्स. ओके, द मून सरफेस हैज मैनी बिग होल्स, दीज आर कॉल्ड क्रेटर्स. ओके, एंड डिड यू नो वन फैक्ट आई एम गोइंग टू शेयर, जस्ट लिसन केयरफुली एवरीवन. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 minutes and 20 seconds टू रीच द अर्थ. हम जो सन की जो सनलाइट होती है वो हमारी अर्थ में पहुंचने में 8 minutes and 20 seconds का टाइम लेती है, और विदाउट द सन द अर्थ वुड बी अ वेरी कोल्ड प्लैनेट. अगर सन नहीं होता तो, अगर सनलाइट हमारे यहाँ नहीं होती पहुंचती, तो क्या होता, हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही कोल्ड प्लैनेट बन जाती और लाइफ पॉसिबल नहीं होती. ओके, हमारी अर्थ पर लाइफ सिर्फ, लाइफ जो है वो सिर्फ सनलाइट, सन की वजह से है. ओके बेटा, and one more fact I am sharing, listen carefully. Yes, did you know which is the land of rising sun? Land of rising sun कौन सी country को कहा जाता है? Japan. Japan is known as the land of rising sun just because, क्योंकि सबसे पहले जो होती है वो sunlight Japan में पहुंचती है. Okay, now look at the moon, condition of moon, just see this, the, these are the very big holes and these are called craters. In big holes ko hi craters kehte hain. Okay, the moon moves around the earth, it is the earth's natural satellite. Okay, aur hamari earth ki kya hai, ye moon hai hamari natural satellite hai, kiski, hamari earth ki. जब कोई हेवनली बॉडी अर्थ के चारों तरफ, किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो उसको सैटेलाइट कहा जाता है. ओके, जस्ट एज अ प्लैनेट, जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो अगर ऐसे ही और दूसरी जो हेवनली बॉडीज हैं वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं तो उनको सैटेलाइट कहा जाता है. ओके, अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट. ओके, वेदर द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द, रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, एंड द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. डिड यू नो दिस थिंग, मून की अपनी कोई खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ओनली, और जो ये आप देख सकते हैं ये कौन है, दिस इज द पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग. And Neil Armstrong was the first person to walk on the moon. Okay, जो Neil Armstrong है सबसे पहले वो moon पर गए थे. Okay, see this is how the moon shines. देखिए आप इस picture में, आप देख सकते हैं कैसे moon shine करता है. ये sun है, sun किसको reflect, sun की जो sunlight है वो कहाँ जा रही है, वो moon पर जा रही है, और moon shine कर रहा है. और ये देखिए मून के जो लाइट है, अब ये मून लाइट बन गई. क्या बन गई, ये मून लाइट. जैसे हम, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप अपने घर में रात के टाइम, नाइट टाइम में आप अपने रूम का जो लाइट है उसको, इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच है उसको ऑफ कर दीजिए, तो आपको बिल्कुल सारे में अंधेरा नजर आ जाएगा. जैसे ही आप उसको स्विच ऑन करेंगे तो सारी लाइट पड़ेगी और आपको सब कुछ नजर आने लग जाएगा. तो सेम ऐसे ही है, जब सनलाइट मून पर रिफ्लेक्ट करती है, उस पर फॉल करती है, तो फिर वो, उसकी वजह से वो लाइट हमारी अर्थ पर आती है और फिर वो शाइन करता है. ओके, उसी की वजह से शाइन करता है, सनलाइट की वजह से, लेकिन मून के अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है. ओके, मून शाइन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सनलाइट. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ
एंड द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ. और जो हिस्सा जो पार्ट जो इसका जो फेस होता है ना जो मून का, तो क्योंकि ये भी तो रोटेट करता है ना चारों तरफ घूमता, तो जो पार्ट सन के सामने होता है, सन तो अपनी प्लेस पे रहता है, सन वो मूव नहीं करता है, तो ये क्या होता है, तो वही पार्ट इसका शाइन करता है. ओके एंड हेयर इन 1969 नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन बिकेम द फर्स्ट पीपल, दीज टू पीपल बिकेम द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून एंड देर इज नो एयर ऑन द मून एंड नो वन कैन लिव देयर. और मून पर कुछ उसके कोई एयर नहीं होती है और ह्यूमन बींग्स के लिए एयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. तो मून पर अपनी उसके कोई एयर नहीं है, तो दैट इज वाई वी नो वन कैन लिव देयर, वहाँ पर कोई नहीं रह सकता है. ओके जस्ट सी दिस इज द अर्थ एंड मून, मून कैसे इसको ऑर्बिट कर रहा है, ऐसे ऑर्बिट करता है चारों तरफ इसको चक्कर लगाता है. तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अवर अर्थ. ओके यस नाउ कॉन्स्टलेशंस. अब कॉन्स्टलेशंस क्या होता है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट सीम्स टू फॉर्म अ शेप इन द स्काई इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन. ओके जो स्टार्स के जो ग्रुप होते हैं ना छोटे छोटे, आपने देखा होगा स्काई के अंदर, नाइट स्काई में, अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप रात में देखिएगा नाइट टाइम में, कि जो कुछ स्टार्स मिलकर कोई शेप फॉर्म करते हैं, शेप बनाते हैं, सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. जब वो शेप होती है उसको कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. ओके एंड कॉन्स्टलेशंस आर नॉट रियल, ये सचमुच में नहीं होते हैं, बट एंशियंट पीपल जो पुराने जमाने के जो लोग थे इमेजिनड दैट शेप एंड नेम्ड देम आफ्टर एनिमल्स एंड हीरोज. अब उन जो शेप को उन्होंने नाम दे दिया, किसी एनिमल का और किसी हीरो का नाम दे दिया, किसको, इन कॉन्स्टलेशंस को. ओके डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करते हैं ये स्टार्स सारे मिलकर. तो सम वेल नोन कॉन्स्टलेशंस आर द ग्रेट बेयर, लियो द लायन एंड द ओरियन द हंटर. ओके दीज आर द नेम ऑफ द कॉन्स्टलेशंस. ओके एज यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट बेयर. ओके ऐसे स्टार्स, ये देखिए स्टार्स से पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन, इस ग्रुप, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ द स्टार, यस ग्रेट बेयर. एंड जस्ट सी द अनदर कॉन्स्टलेशन एंड दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड दिस फॉर्म अ डिफरेंट पैटर्न, दिस इज कॉल्ड ओरियन. ओके ओरियन द हंटर. ओके इसको हंटर का नाम दिया गया ओरियन. एंड लियो, जस्ट सी दिस ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड लियो, Leo the lion. Okay yes see the great bear constellation and Orion. Okay and Ursa Major, Ursa Major is the third largest constellation. So Ursa Major hai wo sky ka third largest constellation hai. Okay and just see the band of the stars we see in the night sky is the Milky Way. अब जो बैंड होता है ना स्टार्स के, जो एक तरीके से बैंड बन जाता है, एक लाइन बन जाती है दैट इन द नाइट स्काई, सो दैट इज कॉल्ड मिल्की वे. यू कैन सी इन द हेयर इन द गिवन पिक्चर मिलियंस ऑफ स्टार्स फॉर्म अ गैलेक्सी. और जो मिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी. ओके उसको गैलेक्सी कहा जाता है, उसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. नाउ न्यू वर्ल्ड, just what is a galaxy, a heavenly body formed by a very large number of stars, that is called galaxy. Okay and just see what is constellation, a small group of stars that seems to form a shape in the sky and it is not a heavenly body. Constellation kya hota hai, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है दैट सीम्स, जो नजर आता है कोई, जैसे कोई शेप फॉर्म हो रही है स्काई के अंदर. ओके एंड इट इज नॉट अ हेवनली बॉडी. एंड प्लैनेट, व्हाट इज अ प्लैनेट, अ लार्ज राउंड हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन और एनी स्टार. ओके दैट इज कॉल्ड प्लैनेट. नाउ ऑर्बिट, द पाथ अलॉन्ग विच अ हेवनली बॉडी मूव्स अराउंड अनदर हेवनली बॉडी दैट इज दैट पाथ, यानी कि जो वो अपना जिस जहाँ से वो मूव करते हैं, जो पोर्शन है, जैसे हम चलते हैं ना तो हम उसको क्या बोलते हैं, वे या रास्ता, तो ऐसे ही जो उनका जो चलने का जो पाथ है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. ओके
जहाँ पर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व करती है, मूव करती हैं. एंड सैटेलाइट, व्हाट इज सैटेलाइट? अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट, दैट प्लैनेट इज प्लैनेट सैटेलाइट और मून. ओके, सैटेलाइट क्या होती है? एक ऐसी हेवनली बॉडी होती है जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है. ओके, सच एज अ मून. मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. नाउ स्पेस एंड एवरीथिंग इन इट इज कॉल्ड द यूनिवर्स. और जो स्पेस है और सारी चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? यूनिवर्स. इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? यूनिवर्स. इट इंक्लूड्स ऑल हेवनली बॉडीज एंड ऑल ऑफ अस. ओके, अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. स्टार क्या है बेटा? स्टार क्या है? एक बहुत बड़ी हॉट गैसेस से, चमकीली गैसेस से बनी हुई होता है. सो दैट इज कॉल्ड स्टार. और पता है ये साइज में सन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमारे अर्थ से, और ये सन से भी बहुत दूर होते हैं. दैट इज़ वाई जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना आपको एक बिग बिल्डिंग का, तो जैसे बिल्डिंग जो जितनी बहुत बड़ी बिल्डिंग है लेकिन वो हमारे हमारे हाउस से बहुत ज़्यादा दूर है तो हमको छोटी नज़र आती है साइज़ में, और जो बिल्डिंग छोटी है लेकिन वो हमारे घर के बिल्कुल जस्ट पास में है तो वो हमको बड़ी नज़र आती है साइज़ में. तो सेम एज स्टार होता है. स्टार अगर बहुत बड़ा है और बहुत दूर है तो वो हमको छोटा नज़र आएगा साइज़ में. और स्टार जैसे सन क्या है? सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. सन भी एक स्टार ही है वो, लेकिन वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए वो हमको बड़ा नज़र आता है साइज़ में. ओके बेटा, Now it gives out heat and light. Star क्या है? वो heat and light देता है हमारी इसको अर्थ को. And a very large number of stars together form a galaxy. और बहुत सारे stars मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं? Galaxy. उसको ही galaxy कहा जाता है. The sun and the family of heavenly bodies form the solar system. जो सन है और जो जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, जो प्लैनेट्स हैं उनको हेवनली बॉडीज कहा गया, जो स्टार्स हैं उनको भी हेवनली बॉडीज कहा गया है. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं और जो सन है उनको सोलर सिस्टम कहा जाता है. द सोलर सिस्टम इंक्लूड्स 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स ऑल्सो. ओके, एंड द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट करते हैं इसको. ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मर्करी एंड वीनस हैव मून्स. ओके, सभी प्लैनेट्स के उनके जो सैटेलाइट्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस. सिर्फ मरकरी और वीनस के जो है और मून ये सैटेलाइट्स नहीं होती हैं, बाकी सबके सैटेलाइट्स होते हैं. ना न्यू टर्म्स, सोलर सिस्टम. व्हाट इज अ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम कंप्राइजेस सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज. ओके, that is called solar system. Stars, large heavenly bodies which gives off their own light and heat. And what is constellation? A group of stars arranged in a particular pattern. Okay, so that is called constellation. And planets, heavenly bodies which revolves around the sun. और जितनी भी heavenly bodies हैं वो sun के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं. That is, those are called planets. उन सबको planets कहा जाता है. Okay, and satellites. What is a satellite? Body in space that moves around the planet. और जो satellite है, जो एक ऐसी heavenly body जो planet के चक्कर लगाती है. Okay, that is called satellite. जैसे कि moon. Moon हमारी क्या है? Satellite of the earth. Energy, ability to do work. Okay, that is called energy. Now look at the, just revise. All objects that we see in the sky, sun, moon, stars and planets are called heavenly or celestial bodies. Okay, and the next one, the sun and the 8 planets form the solar system. Sun is a huge fiery ball made up of very hot gases. Okay, and planets are heavenly bodies that do not have their own heat and light. जो planets हैं वो ऐसी heavenly bodies हैं, उनके खुद की अपनी कोई light और heat नहीं होती है. उनको heat और light किससे मिलती है? सिर्फ sun से. Okay, and sunlight are companions of planets that revolves around them. Okay, और जो satellites क्या हैं? वो जो उनके companions होते हैं planets के, जो planets के चारों तरफ घूमते रहते हैं. Okay,
एंड स्टार्स, स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, लेकिन हाँ स्टार जैसे सन के अपने हीट एंड लाइट होती है, स्टार्स के भी अपने खुद की हीट और लाइट होती है. दे फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. ओके, नाउ stars and galaxy. A star is a huge ball of hot glowing gases. Okay, it gives us heat and light. Okay, and a very large number of stars together form a heavenly body that is called galaxy. And what is Milky Way? Our Earth is a part of Milky Way galaxy. Okay, there are many galaxies. बहुत सारे stars हैं galaxy में. So वो क्या कहलाते हैं? Milky Way galaxy. And we can see a part of the galaxy in the sky, okay? And on clear nights, it appears as a band of light stretching across the sky, okay? This band of stars is called the Milky Way, okay? And it is in Hindi called Akash Ganga. Or in Hindi, we call this galaxy ko, Milky Way. Ko kya kehte hain? Akash Ganga, okay? And just see. कौन सा प्लैनेट के कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स को हम अदर वर्ड्स में मून भी कहते हैं. ओके, तो जुपिटर के 50 होती हैं. हाउ मेनी? जुपिटर हैज 50 सैटेलाइट्स एंड सैटर्न हैज 62 सैटेलाइट्स एंड यूरेनस हैज 27 सैटेलाइट्स एंड नेपच्यून हैज 13 सैटेलाइट्स एंड स्टार्स हैज 2 सैटेलाइट्स एंड अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट. अर्थ के जो है वो हमारे एक ही सैटेलाइट होती है, बाकी इन सब के ये मैंने बता ही दिया है आपको. ओके, एंड नाउ रीड एंड आंसर द करेक्ट आंसर. द प्लैनेट एंड द स्टार्स एंड द मून ऑल टुगेदर आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. ओके, एंड सोलर एनर्जी मीन्स द सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन. ओके, द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इज द मून. ओके, and the earth's natural satellite is a moon. Okay, a human first landed on the moon in which year? In 1969. Okay, and the brightest star in the night sky is called Sirius. जो सबसे चमकीला जो स्टार होता है नाइट स्काई का, उसका नाम क्या है? And that is Sirius. Okay, that is called Sirius. Now read the clues and write the answer. It is much bigger than the earth. Yeah, अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है. व्हाट इज दैट? दैट इज सन. ओके, एंड दे मूव्स अराउंड द सन, और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. दीज आर प्लैनेट्स. ओके, एंड दीज आर बिग होल्स ऑफ द मून सरफेस. और मून के अंदर जो बिग होल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रेटर्स. ओके, इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इसके खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती है. एंड दैट इज मून. ओके, मून की अपनी कोई खुद लाइट नहीं होती है. ये क्यों, कैसे शाइन करता है? क्योंकि सन लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, इस वजह से ये शाइन करता है. ओके, जैसे हम किसी रूम में अंधेरे कमरे में लाइट जला देंगे तो हर चीज शाइन करने लग जाएगी, हर चीज विजिबल हो जाएगी. ओके, सेम. नाउ फिफ्थ वन, वी कैन सी थाउजेंड्स ऑफ दीज इन द नाइट स्काई. ओके, एवरीबॉडी नो दिस? यस, स्टार्स. Stars, we can see thousands of these in the night sky. Okay, now up in the sky, you can see this the galaxy. Okay, and up in the sky, just see, you see the maze, all the 8 planets. Okay, and just checkpoint, true or false? Venus is one of the 8 planets. Venus kya hai? Eight planets mein ek planet hai. So this is true. And the sun is smaller than the earth. It is false. And the moon, the earth is an important source of energy. Yes, correct. So it is the earth is an important source of energy. No, it is wrong. It is false because important source of energy हमारी क्या है? Sun है. हमें sun से ही तो energy मिलती है. Okay, sunlight. And the moon is a satellite of the earth. Yes, it is correct. So it is true. So you can see all these planets. These are, ये आपको रिंग नजर आ रहे हैं ये, तो ये रिंग क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं. तो ये इस तरीके से अपने चारों तरफ इसके घूमते हैं. एंड मरकरी, अब डिड यू नो स्टूडेंट्स, मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन. सबसे ज्यादा नजदीक प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है. और ये सिर्फ सनराइज और सनसेट के टाइम देखा जा सकता है. जब सन सुबह राइज करता है और जब सन शाम के टाइम सेट होता है, तब हम उसको देख सकते हैं मरकरी को. ओके, एंड वीनस, Venus is the second planet from the sun.
और ये हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम, एंड यू नो वीनस इज द ब्राइटेस्ट इन द नाइट स्काई. ओके एंड जस्ट सी द अर्थ, दिस इज अवर थर्ड प्लैनेट. वी लिव ऑन दिस प्लैनेट एंड वी फाइंड लाइफ एज द अर्थ इज कवर्ड विद द लॉट्स ऑफ वाटर. इट लुक्स ब्लू. ओके 71% वाटर इज देयर. ये ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये सारा क्या है, ये वाटर है. 71% वाटर इज फाउंड ऑन अवर अर्थ, दैट इज वाई लाइफ इज हेयर. ओके तभी यहाँ पर सभी ह्यूमन बींग्स है, तभी लाइफ है. एंड डिड यू नो अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द वाटरी प्लैनेट एंड द यूनिक प्लैनेट. और अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं और यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं. ओके नाउ लुक एट द मार्स, दिस इज ऑफ रेड कलर. मार्स इज ऑल्सो नो, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट. ओके एंड जुपिटर, द जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है. एंड डिड यू नो जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज द विंडीएस्ट प्लैनेट. ओके इसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं. ओके दैट इज वाई इट इज कॉल्ड विंडीएस्ट प्लैनेट. विच प्लैनेट? जुपिटर इज ऑल्सो कॉल्ड द विंडीएस्ट प्लैनेट. ऑल मस्ट हैव टू लर्न, सबको लर्न करना है ये. ओके नाउ सैटर्न, द सैटर्न द प्लैनेट सैटर्न हैज रिंग अराउंड इट. इट अपीयर्स टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट. बहुत सुंदर दिखता है ये रिंग की वजह से. यूरेनस, द प्लैनेट यूरेनस इज अ ह्यूज प्लैनेट. इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर. ओके ये ब्लू ग्रीन कलर में होता है. एंड नेपट्यून, नेपट्यून इज द फॉर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. और जो नेपट्यून प्लैनेट है वो हमारे सन से बहुत ज़्यादा दूर है. ओके एंड जस्ट सी, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड. Have a nice day. Thank you. Agar please like, share and comment the video. Okay. Thank you so much. We will meet in the next video. Bye bye. Take care.